तो हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ने से पहले डिफ्रेंशिएशन सीखे थे, बेसिक डिफ्रेंशिएशन, राइट, जिसमें कोई भी जैसे मानो फॉर एग्जांपल ई टू पावर एक्स प्लस साइन एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो हम लोग क्या जानते हैं, ई टू पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई टू पावर एक्स होता है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है। तो व्हाट यू कैन राइट, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई टू पावर एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स। इसी तरह से फिर और क्या देखे थे, वाई इक्वल टू मान लो फाइव एक्स स्क्वायर है, इसका डिफ्रेंशिएशन यूज फार्मूला एक्स का पावर एन का डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला क्या है, पावर को बाहर निकालिए और एक्स को पावर का एक कम कर दीजिए, इसका क्या हो गया डीवाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू टेन एक्स। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन का एडिशन हो या सबट्रैक्शन हो तो हम लोग सबका अलग अलग निकाल कर, और यदि जैसे यहाँ पर दो फंक्शन हैं, एक एक्सपोनेंशियल है एक साइन एक्स है, दोनों का डिफ्रेंशिएशन अलग अलग निकाल के दोनों को ऐड कर दिए। तो एडिशन और सबट्रैक्शन में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन यही वो फंक्शन यदि मल्टीप्लाई में रहें, यही फंक्शन दो मल्टीप्लाई में रहें तब कैसे डिफ्रेंशिएशन करेंगे। जैसे मानो फॉर एग्जांपल y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, क्योंकि ये जब तक फिजिक्स ये बेसिक नहीं सीखेंगे पूरे फिजिक्स में परेशान करेगा। अब यहाँ पर क्या है, एक x अलग फंक्शन है और साइन एक्स एक डिफरेंट फंक्शन है, दोनों फंक्शन के यहाँ मल्टीप्लाई है। अब इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे कैसे, दो टर्म डिफरेंट फंक्शन का हो मल्टीप्लाई हो तो डिफ्रेंशिएशन इसको हम लोग एज्यूम कर मान लेते हैं जैसे यू फंक्शन है, और साइन एक्स को हम लोग एज्यूम कर लिए वी फंक्शन है, यानी दो डिफरेंट फंक्शन है जिसका प्रोडक्ट क्या है यू इंटू वी। यदि प्रोडक्ट में रहेगा तो डिफ्रेंशिएशन का रूल क्या है, व्हाट इज द रूल, डी वाई अपॉन डी एक्स जैसे यू एंड बी आर डी फंक्शन, दो अलग अलग फंक्शन है उसका मल्टीप्लाई है, इसका डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला क्या है, सॉरी इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज योर सेकेंड फंक्शन, ठीक। तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन डी यू अपॉन डी एच ए टू वी फंक्शन को मल्टीप्लाई कर लेंगे, फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके सेकेंड फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या करेंगे मल्टीप्लाई में एडिशन। अब क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये दूसरा टर्म जो होगा सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इंटू मल्टीप्लाई ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दो टर्म है मल्टीप्लाई में है यू एंड वी, डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इंटू सेकेंड टर्म प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। अब जैसे यहाँ पर क्या है, एक्स एक फंक्शन है और दूसरा साइन एक्स है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, डिवाइड अपॉन डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन एक्स का वन हो जाता है और सेकेंड फंक्शन का मल्टीप्लाई साइन एक्स प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स। तो जो दो डिफरेंट फंक्शन यदि मल्टीप्लाई किए हुए हैं तो यही इसका फॉर्मूला है डिफ्रेंशिएशन का, इस फॉर्मूला को आपको याद रखना होगा, ठीक है बेटे। क्या है फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इंटू मल्टीप्लाई ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है। ये तो हो गया मल्टीप्लीकेशन में, टू डिफरेंट फंक्शन जल्दी मल्टीप्लाई किए रहे हैं तब क्या फॉर्मूला होगा डिफ्रेंशिएशन का, जब दो फंक्शन डिवीजन में हो तब क्या करेंगे, दो फंक्शन डिवीजन में हो जैसे यही सेम प्रॉब्लम आपका दिया हुआ हो, y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स, टू डिफरेंट फंक्शन डिवीजन में है, इसको हम लोग कैसे u अपॉन v फॉर्म बोल देते हैं, u अपॉन v फॉर्म। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना हो तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या फॉर्मूला है,
जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर कर दीजिए पहले, वी स्क्वायर। उसके बाद जो फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन। यहाँ पर माइनस साइन देंगे, ध्यान देने की बात है, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। क्या किए, यू डिवीजन के फॉर्म में, यू अपॉन वी फॉर्म में रहेगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। जैसे ऊपर का एग्जांपल दिया, वाई इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स, व्हाट इज डिफरेंशिएशन, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ लिखेंगे कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाई सेकेंड फंक्शन एक्स, माइनस साइन देना है, ये ध्यान देने की बात है। फिर फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इनटू वन। तो इस तरह से आपके प्रॉब्लम जैसे दिए जाएंगे मल्टीप्लीकेशन यू वी फॉर्म में या यू अपॉन वी फॉर्म में, टू डिफरेंशिएशन का ये फॉर्मूला डिवीजन के लिए गया, यू अपॉन वी फॉर्म का और मल्टीप्लीकेशन का। तो ये दोनों फॉर्मूलों को भी हम लोग जैसे, और दूसरा एग्जाम्पल कीजिए, और जैसे नेक्स्ट जैसे दिया हुआ हो आपको y इक्वल टू log x इंटू cos x, log x इंटू cos x, दोनों डिफरेंट फंक्शन, एक लॉगरिथमिक एक ट्रिग्नोमेट्रिक, मल्टीप्लाई है, किस फॉर्म में है, uv फॉर्म में है। फॉर्मूला यूज करेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जब दो टर्म प्रोडक्ट में रहेंगे तो फॉर्मूला क्या है, dy अपॉन dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन du अपॉन dx इंटू v प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। इसी फॉर्मूला को यूज करके dy अपॉन dx फंक्शन, फंक्शन log x है, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन cos x प्लस फर्स्ट फंक्शन log x डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म cos x है, cos x का माइनस साइन x होता है, राइट बेटे। तो ये सारे बेसिक जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी तरह से मान लीजिए आपका दिया हुआ हो नेक्स्ट फंक्शन, जैसे y इक्वल टू e टू पावर x x स्क्वायर, ये भी u भी फॉर्म में है, फर्स्ट फंक्शन यहाँ एक्सपोनेंशियल है, सेकेंड फंक्शन आपका x स्क्वायर है। यूज द फॉर्मूला डिवाइड अपॉन डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन ई टू पावर एक्स ए टू मल्टीप्लाई ऑफ सेकेंड टर्म प्लस फर्स्ट फंक्शन ई टू पावर एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म टू एक्स, राइट बेटे। तो इस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, राइट। उसी तरह से कोई भी प्रॉब्लम्स दिया रहेगा इसको प्रैक्टिस करके कीजिएगा। दो प्रॉब्लम दे दे रहा हूं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x डिवाइडेड बाई x, y इक्वल टू e टू पावर x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, दोनों डिवीजन वाला को करके कीजिएगा, राइट बेटे। और इसमें क्या सीखना हम लोग को, डिफरेंशिएशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जिसको कि हम लोग चेन रूल बोलते हैं, चेन रूल। अब इसमें क्या है कि जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू साइन 5x दिया हुआ है, साइन 5x, आप साइन x का डिफरेंशिएशन जानते हैं, साइन x क्या cos x होता है, साइन 5x क्या कैसे निकालेंगे। तो ये जो इसमें हम लोग चेन रूल को यूज करते हैं, क्या है चेन रूल, जब डिफरेंशिएशन इसका करेंगे डिवाई अपॉन डी एक्स, फाइव एक्स को इमेजिन करेंगे कि एक्स है जो एक्चुअल अपना फॉर्मूला है, अपने मन में सोच के क्या चलेंगे, फाइव एक्स क्या है, एक्स है, ठीक है। तो साइन एक्स क्या, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कॉस 5x,
ठीक है, इमेजिन जो भी दिया है इस तरह से, जैसे फंक्शन एक्स का मल्टीप्लाई या रूट जो भी थे, उसको हम लोग एज इट इज इमेजिन अपने दिमाग में वर्चुअली रखेंगे कि एक्स है, उसको पहले डिफरेंशिएट कर लेंगे। उसके बाद जो इमेजिन किए हैं क्या है, फाइव एक्स है, इस फाइव एक्स का मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट कर देंगे। फाइव तो कॉन्स्टेंट है, एक्स का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फाइव, तो डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 5 cos 5x, राइट बेटे। उसी तरह से मान लीजिए फॉर एग्जांपल्स y इक्वल टू मान लो दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 1 1/2, आप x का पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन जानते हैं, आप क्या x का पावर n का डिफरेंशिएशन जानते हैं, x प्लस 1 का होल n का डिफरेंशिएशन आप नहीं जानते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं, पावर इनटू x का पावर n माइनस 1। तो हम इमेजिन क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 को चेन रूल के लिए x कंसीडर कर लेंगे अपने दिमाग में, x का पावर 1/2 हो गया, कैपिटल x एज्यूम कर लीजिए इस तरह से, ठीक है, कैपिटल x इसको एज्यूम कर लीजिए पावर 1/2, इसका तो आप डिफरेंशिएशन जानते हैं, इसको मन में रखना, लिखने के लिए कोई जरूरत नहीं। अब इसका क्या हम जानते हैं, 1/2 x के जगह पर x स्क्वायर प्लस 1, एक कम कर देना पावर को माइनस 1, ठीक, ये क्या, अच्छा उसके बाद पदार्थ जिसको सोच रहे हैं वर्चुअली x है, अब उसको डिफरेंशिएट कर ले क्या है, x स्क्वायर प्लस 1, ब्रैकेट डाल देंगे, x स्क्वायर का हम डिफरेंशिएशन जानते हैं 2x और 1 का डिफरेंशिएशन 0, राइट बेटे। तो इस तरह से निकल गया डिवाइड अपॉन डीएक्स, ये क्या देखते हैं, चेन रूल का यूज है। उसी तरह से कोई भी आपका दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल y इक्वल टू e टू पावर 5x, आप e टू पावर x का डिफरेंशिएशन जानते हैं कि e टू पावर x होता है dy, यदि y इक्वल टू e टू पावर x दिया है, इसका आप डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं, e टू पावर x होता है, नहीं e टू पावर 5x का नहीं जानते हैं, तो यहाँ पे चेन रूल यूज करेंगे डिवाइड अपॉन dx, इसको हम क्या इमेजिन करेंगे x है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया e टू पावर 5x, और जिसको वर्चुअली इमेजिन कर रहे हैं x है, उसको डिफरेंशिएशन करेंगे मल्टीप्लाई करके, 5x का डिफरेंशिएशन 5 हो जाता है, 5x का डिफरेंशिएशन 5 हो जाता है। तो उसी तरह से कोई भी फंक्शन दिया रहा है y इक्वल टू ये देखिए साइन स्क्वायर एक्स मान लीजिए दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या, तो एक है एक चेन रूल को भी यूज कर सकते हैं, और दूसरा तरीका क्या है कि इसको आप y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, आपको साइन एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन मालूम है, व्हाट यू कैन डू, यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला यूज कीजिए, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x होता है, 1 2 sin स्क्वायर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos 2x, sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2, इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिए, cos 2x डिवाइडेड बाय 2 y, आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं हम लोग, इसको 1/2 इस तरह से लिख लीजिए 1 cos 2x, अब डिवाइड अपॉन dx इक्वल टू 1/2, ये दो टर्म सबसेक्शन में है, दोनों को अलग अलग कर लेना है, 1 का डिफरेंशिएशन 0, आप cos x का डिफरेंशिएशन जानते हैं, cos 2x का नहीं, क्या यूज करेंगे, चेन फॉर्मूला, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, इसको x से कंसीडर करके इमेजिन करेंगे, और 2x का डिफरेंशिएशन 2, 2x का डिफरेंशिएशन 2, ठीक है बेटे, ये क्या आ गया अपना, ये 2 2 उड़ जाएगा, तो sin 2x, ठीक है, एक तो रास्ता ये हो गया। दूसरा शॉर्टकट टेक्निक चेन फॉर्मूला क्या है, एक शॉर्टकट टेक्निक देता है डिफरेंशिएशन का, अब यहां पर sin स्क्वायर x है, यदि मैं चेन फॉर्मूला को इमेजिन करूं तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, हम साइन स्क्वायर स्क्वायर को हम इमेजिन करते हैं साइन एक्स ही है,
चाहिए पावर, पावर पावर का स्क्वायर सबसे बेस्ट, ये क्या है पावर का स्क्वायर हो गया, ठीक है। पावर का फॉर्मूला हमें मालूम है, ये क्या होता है टू पावर आ गया बाहर एक कम, एक कम कर दी। अब क्या हो गया अंदर का, पहले क्या था एक्स का पावर एन का फॉर्मूला जानते थे ना, पावर आ गया इधर। अब एक्स के जब है क्या sin x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, ठीक है बेटे। अब क्या करेंगे हम लोग यहां पर थोड़ा सा ये दो cos 2x का माइनस sin 2x, ये प्लस आ जाएगा, ये प्लस माइनस का अगर होगा इसका डिफरेंशिएशन जीरो, माइनस sin रहा ठीक है, cos 2x है cos 2x के जो x sin करना है, cos का क्या होता है cos x का माइनस sin x माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे ये देखो क्या गया 2 sin x cos x, फॉर्मूला आप जानते हो sin 2x होता है, देखो sin 2x दोनों सेम आ गया। तो चेन फॉर्मूला को यूज करके हम आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, चेन फॉर्मूला को यूज करके। अब उसी तरह से मान लिया फॉर एग्जांपल, चेन फॉर्मूला जो चेन रूल है बहुत ही यूजफुल हो जाता है, प्रॉब्लम डिफरेंशिएशन को हम लोग आसानी से कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल cos x स्क्वायर दे दे, आप cos x का जानते हो, ऐसे दूसरा टेक्निक और है x स्क्वायर को मान लीजिए t बुक में देते हैं डिफरेंशिएशन वाला में लेंडी प्रोसेस, x स्क्वायर को t कंसीडर कर लीजिए, यहाँ t पुट कर दीजिए, इसको डिफरेंशिएट कर लिए, फिर और लंबा चौड़ा प्रोसेस है। लेकिन चेन फॉर्मूला यूज करने से हम आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे dy अपॉन dx, x स्क्वायर को इमेजिन करेंगे x है, cos x का डिफरेंशिएशन sin x, फिर उसके बाद जिसको हम x इमेजिन किए हैं वो क्या है x स्क्वायर है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। काम होगा तो कितने बड़े बड़े प्रॉब्लम को आसानी से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन तो आप आसानी से कर सकते हो। दूसरा चीज क्या है, ये तो हो गया भाई चेन फॉर्मूला को यूज करके डिफरेंशिएशन, हम लोग दो चीज तीन आज टर्म सीखे, प्रोडक्ट में रहेगा तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे टू डिफरेंट फंक्शन, डिवीजन में रहेगा तब कैसे करेंगे, और चेन रूल को हम लोग यूज कैसे करेंगे। अच्छे अच्छे डिफरेंशिएशन को हम आसानी से चेन फॉर्मूला को यूज कर लेते हैं। और फिजिक्स में नेक्स्ट टर्म क्या है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमेशा यूज में आएगा पूरे फिजिक्स में। अब क्या कोई फंक्शन दिया रहता है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, अब ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x वेयर दिस फंक्शन इज मैक्सिमम, कहां x के किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन मैक्सिमम देगा, वैल्यू मैक्सिमम होगा x का कौन सा वैल्यू होगा जिसके लिए ये मैक्सिमम देगा राइट, या मिनिमा देगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या क्या करते हैं कि डिफरेंशिएशन जो सीखे हैं उसी का एक एप्लीकेशन पार्ट है कि हाउ टू फाइंड द गिवन फंक्शन, ये गिवन फंक्शन कहाँ पर मैक्सिमम होगा। ध्यान देने की बात है कोई भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन दिया हुआ है कैसे भी ग्राफ जो भी आए, तो वो पॉइंट निकालना है जहां पर डिफरेंशिएशन मैक्सिमम हो। डिफरेंशिएशन करने का मतलब क्या है, कर्व का स्लोप, पहले ही पढ़ चुके थे स्टार्टिंग यहीं से किए थे, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कर्व का स्लोप, किसी पॉइंट पर क्या स्लोप है। अच्छा तो हम क्या कर रहे हैं कि फंक्शन मैक्सिमम कहां पर होता है, मैक्सिमम कहने का मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मैक्सिमम होने का मतलब जैसे कोई भी कर्व ड्रॉ कीजिएगा तो पैरेलल टू स्लोप क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस कहने का मतलब क्या हो गया कि उसका स्लोप जीरो, उसका स्लोप जीरो होगा, ठीक है। हम क्या करेंगे एक्स के किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम देगा, हम क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएशन करके इसको जीरो से इक्वेट कर देंगे और एक्स का वैल्यू निकालेंगे, वो एक्स का वैल्यू दे देगा जिस पॉइंट पर कर्व मैक्सिमम है। तो dy अपॉन dx डिफरेंशिएट कर दिए इसको,
2x, x का 1 हो गया डिफरेंशिएशन, राइट। अब इसको मैक्सिमम निकालने के लिए x किस वैल्यू पर, ये मैक्सिमम देगा कर्व, स्लोप इक्वल टू 0। यहाँ पर 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 1/2। माइनस 1/2 के वैल्यू x के माइनस 1/2 पर क्या होगा, मैक्सिमम देगा, क्या देगा, मैक्सिमम देगा। x इक्वल टू माइनस 2 पर पुट करेंगे, ठीक है, या तो मैक्सिमम भी दे सकता है या मिनिमम, दोनों दोनों पॉसिबिलिटी है, बहुत पॉसिबिलिटी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, जैसे प्रॉब्लम्स जैसे दिए रहेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेंगे किस पर, जैसे y इक्वल टू दिया हुआ है, y इक्वल टू x क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5x स्क्वायर बाई 2 प्लस 6x। आपसे कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x वेयर y इज मैक्सिमम और मिनिमम, फाइंड द x वेयर y इज आइदर मैक्सिमम और मिनिमम, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है, dy अपॉन dx निकालेंगे, कितना हो गया 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 5 10x स्क्वायर 10x बाय 2 प्लस 6, ठीक है बेटे। यहां से 3 उड़ गया, ये 5 गया, ये वैल्यू आ गया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब ये क्या होगा, मैक्सिमम और x का वैल्यू निकालना है, जहां पर मैक्सिमम और मिनिमम देगा, क्या करते हैं, स्लोप को जीरो कर देते हैं, स्लोप को जीरो कर देंगे, जहां पर ये मैक्सिमम देगा, तो डिवाइड अपॉन ये पूरे टर्म x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये क्या हो गया, फैक्टर इसका निकल गया 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, x कॉमन ले लिए x प्लस 3, यहाँ 2 कॉमन ले लिए x प्लस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0, एंड x के दो वैल्यू आए माइनस 2 माइनस 3, जिस पर कि ये मैक्सिमम और मिनिमम दे सकता है। अब x के किस वैल्यू पर ये मैक्सिमम देगा, क्योंकि दो वैल्यू आए हैं माइनस 2 एंड माइनस 3, x के किस वैल्यू पर ये मैक्सिमम देगा या मिनिमम देगा, उसका ट्रिक क्या, फॉर्मूला है कि ये जो फंक्शन हम डिफरेंशिएशन निकाले हैं, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, दिस वन d2 ऑफ y अपॉन dx का नाम फर्दर एक बार फिर डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसको दो करने वाला दो बार डिफरेंशिएशन करना है। यदि इसका वैल्यू, यदि डिफरेंशिएट करने के बाद जो x का वैल्यू निकाले हैं माइनस 2 या माइनस 3, यदि इसको हम पुट करते हैं, मान लीजिए x इक्वल टू माइनस 2, ठीक है, यदि इसका वैल्यू 0 से बड़ा आ जा रहा है, तो x का कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू देगा, क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा। यदि d2y अपॉन dx2 लेस देन 0 होगा तो मैक्सिमम देगा। तो करेंगे क्या, ये जो हम लोग डिफरेंशिएशन निकाले हैं, इसको एक और डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे d2y अपॉन dx2 क्या है, x स्क्वायर है 2x 5x है प्लस 5 कॉन्स्टेंट 0। अब x का वैल्यू माइनस 2 रखो, माइनस 4 प्लस 5, माइनस 4 प्लस 5 1 आ गया, पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आने का मतलब क्या हो गया, ये x का वैल्यू माइनस 2 मिनिमम वैल्यू देगा, यानी y का मिनिमम वैल्यू देगा, राइट बेटे। उसी तरह से x इक्वल टू माइनस 3 आप पुट कीजिए, माइनस 3 पुट करो तो माइनस 6 प्लस 1 माइनस 1 यानी लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब मैक्सिमम, तो x इक्वल टू माइनस 3 पे क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू। तो इस तरह ये क्या है, डिफरेंशिएशन का मेरा एप्लीकेशन, यदि कोई गिवन फंक्शन है तो आपसे यदि पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x वेयर दिस फंक्शन इज मैक्सिमम और मिनिमम, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट करके इसको 0 से इक्वेट करके x का वैल्यू निकाल लेंगे। फर्दर पूछता है कि x का ये कौन सा वैल्यू, दोनों में से कौन मैक्सिमम और मिनिमम देगा, क्या करेंगे, जो डिफरेंशिएशन निकाला उसको फर्दर एक बार डिफरेंशिएट करके x को वैल्यू को पुट करके देखेंगे, यदि x का वैल्यू d2y dx2 greater than 0 आता है
तो हम क्या बोलेंगे मिनिमम देगा, और डी टू वाई अपॉन डी एक्स लेस देन जीरो आएगा तो मैक्सिमम देगा। तो इस तरह से एप्लीकेशन से सारे फिजिक्स में हमें जरूरत पड़ेगा, खास करके इसकी हमेशा हमें जरूरत पड़ेगी। तो आप उस तरह से डिफ्रेंशिएशन पूरा सीख सीखो बेटे, जिसको पढ़ाया गया है, और इसको एक जाकर अच्छी तरह से लिख कर, और इसका सारा जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, ये हमेशा आपकी जरूरत पड़ेगी पूरे फिजिक्स में। तो इसको नोट्स टाइप से हमेशा एक रखिए कि जैसे आपका फॉर्मूला होता है लाइक दैट फॉर्मूला के लिस्ट में इसको डालकर हमेशा इसको रिवाइज करते रहना है। इसी कारण क्या होता है नीट वाले जो बच्चे रहते हैं उनके बड़ी समस्या होती है, क्योंकि वो मैथ्स पढ़ते नहीं हैं, स्पेशली उनके लिए तो भाई ये रामबाण है, इसके बिना वो फिजिक्स पढ़ ही नहीं सकते हैं। तो जो प्रीवियस लेक्चर्स था ट्रिग्नोमेट्रिक का, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, वो सब भी सारे इंपॉर्टेंट हैं जो बेसिक हैं। डिफरेंशिएशन जो सीखे हैं वो आज भी जो सीखे हैं डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन, ये पूरे फिजिक्स में जरूरत है। इसको जाके बेटे रिवाइज करना है अच्छी तरह से, फिर फर्दर कोई डाउट आता है यू आस्क मी। ठीक है, आज यहीं पर रहने देते हैं इसको।